हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक न्यू जावा प्रोजेक्ट जो कि होने वाला है कंप्लीट कोर जावा बेस्ड, और MySQL का यूज मैंने इसमें किया है। ओवरऑल इस वाली वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हमारा जो ये वाला प्रोजेक्ट है बाइक रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बाइक मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसको हम कैसे रन करते हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स मैंने इसमें यूज किए हैं, और कौन कौन से पार्ट्स इसमें मैंने डिवाइड किए हुए हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में, वो सारी डिटेल ओवरव्यू आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। और गैस, इस पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट का फ्लो चार्ट, पूरा डिजाइन मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कंपनी लेवल पे प्रोजेक्ट किस तरह बनाए जाते हैं, ठीक है। मतलब आप अपने जो कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाते हो उसका एडवांस लेवल कंपनी लेवल पे किस तरह बनता है, वो आपको पूरा एक आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस पूरे प्रोजेक्ट को रन करने के लिए अपना लॉग इन पेज में सबसे पहले गैस यहाँ पे रन करूंगा, ताकि आपको पता चले कि हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो गैस, जैसे मेरा यहाँ पे लॉग इन पेज रन हुआ है, तो मैंने यहाँ पे टू डिटेल्स ऐड की हुई है, अकाउंट्स में एडमिन और यूजर। मतलब अगर आप एडमिन हो इस पूरे प्रोजेक्ट के, तो आप एज ए एडमिन लॉग इन करना चाहते हो, या फिर अभी एज ए यूजर लॉग इन करना चाहते हो, ठीक है। मान लो मैं एज ए एडमिन लॉग इन करना चाहता हूँ यहाँ पे, पर अभी एडमिन के लिए क्या यूजर नेम पासवर्ड वो मेरे को नहीं पता, तो मैं अपने सिंपल डेटाबेस में जाके यहाँ पे सिंपल चेक करूंगा। तो मैं एडमिन वाले टेबल में जाके इसको सिंपल चेक कर दूँ, तो मैंने यहाँ पे सिंपल इसका एडमिन और एडमिन ही यूजर नेम और पासवर्ड इसका ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो मैं सिंपल फाइनल यहाँ पे एडमिन लिखता हूँ, और यहाँ पे भी एडमिन लिख के जब भी मैं इसको लॉग इन करूंगा तो लॉग इन हो जाएगा। और गाइस, यहाँ पे जो सेकंड बटन दिया हुआ यूजर साइन अप का, वो हम तब देखेंगे जब मैं यूजर पे क्लिक करूंगा। और जैसे मैंने यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक किया, गाइस यहाँ पे मेरा एक पूरा होम पेज रन होता है जो कि एडमिन एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। और गाइस, अभी इसके बाकी मॉड्यूल देखने से पहले आप सिंपल सा एक इमेजिन करिए, अगर आपके पास कोई एक कंपनी या फिर आपको एक छोटी सी शॉप चलाते हो जहाँ पे आप बाइक रेंट पे देते हो, ठीक है। तो वहां पे आप जो सारा डेटा है वो एक्सेल में मेंटेन करते हो, या फिर किसी नोटबुक में मेंटेन करते हो, बट आपको वो सारा डेटा एक सॉफ्टवेयर पे लेके जाना है। मतलब कि आपके शॉप पे कोई भी यूजर आता है, कोई भी बंदा आता है, वो आपको बाइक उसको बाइक रेंट पे लेनी है, तो आप उसकी डिटेल मेंटेन करते हो। आप इस तरह से सपोज करो, आप एडमिन हो, आप इस सॉफ्टवेयर को चला रहे हो, आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो कि अपडेट यूजर प्रोफाइल, मतलब कि कोई भी यूजर है जो आपके डेस्क पे खड़ा है, आपके काउंटर पे खड़ा है, वो बोलता है सर मेरी डिटेल्स अपडेट करनी है, कुछ गड़बड़ हो चुकी है डिटेल्स में। तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे अपडेट यूजर डिटेल पे, वहाँ पे आप उसका यूजर नेम पूछोगे, भाई आपका यूजर नेम क्या था, मैं फर्स्ट वाले का डेटा जो अपडेट करना चाहता हूँ, या फिर उसने बोला कि मेरा यूजर नेम ये है, तो आप उसका डेटा जब भी अपडेट करोगे, तो मान लो आपने क्वालिफिकेशन में यहाँ पे MCA किया उसको, ठीक है, मतलब आपको ये डिटेल्स अपडेट करनी है, और सिटी में आपको डेली अपडेट करना है, आप अपडेट यूजर पे क्लिक करोगे और यूजर डिटेल सक्सेसफुली अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप व्यू यूजर प्रोफाइल पे अगर जाके चेक करोगे, तो यहाँ पे जितने भी यूजर्स होंगे आपके लाइक आपके डेटाबेस में, या फिर आपकी शॉप पे, मान लो एक महीने में 100 या 200 लोग आए जिन्होंने बाइक रेंट पे लिया था, या फिर जिन्होंने नहीं भी लिया, वो सिंपल शो करने आए थे बाइक को, देखने आए थे, उनका सारा डेटा आप कहीं तो ऐड करोगे, कहीं तो चेक करोगे, तो सारा डेटा यहाँ से आप चेक कर सकते हो, और यूजर डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से। तो मान लो मैं सेकंड वाला जो यूजर है उसको डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है, इसका भी कोई काम नहीं है, ये बाइक रेंट पे लेगा भी नहीं आगे, अगर आपको पता है तो, ठीक है। आपको सिंपल इसका डेटा डिलीट करना है, डिलीट कस्टमर पर जाकर करोगे, रिकॉर्ड लाइक यूजर रिकॉर्ड इज डिलीटेड, एक मैसेज आएगा, वो डेटा डिलीट हो जाएगा। अच्छा, आप चेक करोगे तो अपडेट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। और अभी अगर आप नेक्स्ट पे जाओगे बुकिंग हिस्ट्री पे, तो अगर आपको एड न्यू बुकिंग करनी है, तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। अब आपको बुकिंग करनी किसके लिए, अब अगर आप गाइस इसका देखो यूजर इंटरफेस देखो ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा यूजर इंटरफेस है। और सिंपल अगर मैं आपको बताऊँ, इस पूरे कंप्लीट प्रोजेक्ट को आप अपने किसी भी सेमेस्टर में सबमिट कर सकते हो। आपका अगर मेजर प्रोजेक्ट है, मिनी प्रोजेक्ट है, या फिर आप किसी कंपनी लेवल पे इसको सबमिट करना चाहते हो, मान लो आपकी इंटर्नशिप है, तो भी आप इस पूरे प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हो, ठीक है। और इसको बनाने के लिए आप सिंपल पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो, जो मैं पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ इसकी, वो देखकर बना सकते हो। अगर आपको नहीं बनाना, तो सिंपल आपको इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में इसके पूरे कंप्लीट कोड का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस, प्रोजेक्ट के PPT का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं डाउनलोड करना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपको इसको सेंड कर दूँगा, ठीक है। तो ओके, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं यहाँ पे। तो जैसे आप यहाँ पे वाला मॉड्यूल देख रहे हो, यहाँ पे मेरे को एक बाइक बुक करनी है किसी भी यूजर के लिए, ठीक है। तो मान लो अभी अंशु के लिए मेरे को बाइक बुक करनी है, जो भी यूजर था, वट एवर, कोई भी यूजर हो सकता है, ठीक है। मैं सिंपल उसका डेटा यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, लाइक उसका नेम सेलेक्ट करूंगा, तो वहां से उसका नेम आएगा, डेटाबेस से डेटा पिक होकर आता है, ठीक है। और बस अभी यहाँ पे देखो सारे ब्रांड्स शो कर रहा है, लाइक मेरे शॉप में अगर टू ब्रांड्स की बाइक है, अभी मान लो एज एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे मेरी शॉप में टू ब्रांड्स की बाइक है, फर्स्ट BMW, दूसरी है, दूसरे ब्रांड है TVS, ठीक है। मान लो अब मैं ये पूछूंगा उस बंदे से जो भी डेस्क पे खड़ा है, कि भाई साहब आपको किस वाली ब्रांड की बाइक को बुक करना है, रेंट पे लेना है, ठीक है। मान लो उसने बोला कि मेरे को BMW बाइक चाहिए रेंट पे, ठीक है, मैंने BMW पे क्लिक किया, उससे फिर मैं पूछूं कौन सा मॉडल चाहिए, अगर उसको मॉडल पता होगा तो ठीक, नहीं तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा ये मॉडल अच्छा, ये मॉडल अच्छा, ठीक है। मान लो मेरे पास अभी अवेलेबल एक ही मॉडल है BMW का, मतलब मेरे शॉप में एक ही बाइक है BMW की, जो कि G3 10R, मान लो मैंने उस पर क्लिक किया, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा भाई कितनी बाइक हो सकती है,
या फिर मान लो मेरे पास टू बाइक्स होती तो यहाँ पे दो बाइक के नंबर आते, मतलब उन दोनों बाइक्स के यहाँ पे जो बाइक नंबर होते हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं, बट अभी एक ही बाइक है तो एक ही बाइक का नंबर आएगा यहाँ पे। अब जैसे मैंने उस पर क्लिक किया, उस बाइक की डिटेल ऑटोमेटिक फिल होकर आते हैं गाइस। यहाँ पे देखो बाइक का नेम आया फैट बॉय, लाइक मैंने अभी एज एग्जांपल कुछ भी डिटेल्स यहाँ पे ऐड की हुई हैं। अब यहाँ पे का हाउ मेनी डेज, मतलब कितने दिन के लिए आपको बाइक रेंट पे चाहिए। अब मान लो वो बंदा बोलता है भाई मेरे को 2 डेज के लिए चाहिए, मैं यहाँ पे डे सेलेक्ट करूंगा, एड बाइक पे क्लिक करूंगा, मेरी जो बाइक है वो बुक हो जाएगी सक्सेसफुली उस वाले बंदे के अकाउंट में, ठीक है। तो उस वाले बंदे के लिए बुक हो जाएगी, तो जैसे क्लिक किया वो डिटेल यहाँ से हट गई। अब मान लो मैं जाके चेक करता हूँ व्यू बुकिंग हिस्ट्री, तो यहाँ पे आके आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पे आपको सारी बुकिंग की हिस्ट्री मिल जाएंगी, जितनी भी बाइक्स अभी तक आपके शॉप के लिए बुक हो चुकी है, जितनी बाइक आपके शॉप में थी वो जितनी बुक हो चुकी है, कैंसिल है बाइक या कंप्लीट हो चुकी है उनकी राइड, वो डिटेल यहाँ पे शो कर देगा। अगर मेरे को यहाँ पे गाइस कोई सी भी बाइक का स्टेटस चेंज करना है, मान लो उस बाइक को कैंसिल करना है या फिर कंप्लीट करना राइड, तो मैं यहाँ से जाकर सिंपल उसको कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब बाइक की आईडी लिखूंगा, बाइक का नंबर लिखूंगा, चेंज स्टेटस पर क्लिक करूंगा तो वो डिटेल्स भी चेंज हो जाएंगी। अब अगर मैं सेम बाइक दोबारा बुक करूं तो दोबारा बुक नहीं होगी। आप यहां पे चेकआउट करो क्यों नहीं होगी। मान लो मैंने अंशु के लिए मैं दोबारा बाइक बुक कर रहा हूं, यहां पे BMW मैंने क्लिक किया और G310R पे मैं क्लिक कर रहा हूं ना, तो यहां पे बाइक का नंबर ही नहीं आ रहा कोई, क्योंकि एक ही बाइक थी मेरे पास और वही ऑलरेडी बुक हो चुकी है। जब वो बुक हो चुकी है तो यहां पे नंबर आएगा ही नहीं। और वैसे हमारे यहाँ पे नेक्स्ट जो मॉड्यूल आता है वो आता है बाइक ब्रांड का। जैसे मैं जैसे भी कोई भी एडमिन है वो यहाँ पे क्लिक करेगा, मान लो मेरी शॉप में या फिर मैं एडमिन हूँ, मेरी शॉप में कल को एक न्यू बाइक आई, मान लो मैं एक न्यू बाइक लेकर आया कल को जो कि BMW थी और उसका दूसरा मॉडल था, या फिर मैं BMW की सेम मॉडल की एक नई बाइक और ले आया, मतलब उनका बाइक का नंबर अलग होगा। मान लो मैं कल को एक नई ब्रांड लेकर आया तो ब्रांड में ऐड करूंगा अपने डेटाबेस में ताकि यूजर भी देख पाए उसको इन फ्यूचर, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे ब्रांड का नेम डाला BMW और बाइक का मॉडल मैंने डाला सिंपल G310RR मैंने इस बार बाइक ऐड की, ठीक है। मतलब मैं ये वाली बाइक लेकर आया और किस ईयर का मॉडल था वो मैं यहाँ पे सिंपल ऐड करूंगा, ये मॉडल था 2022 का, ठीक है। मैंने ऐड किया इस डिटेल को, डिटेल सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुकी है। अब ये तो बाइक का सिंपल ब्रांड था, मतलब ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे व्यू ब्रांड ऐड चेक करूंगा तो मेरे पास सिंपल इस ब्रांड की ये बाइक्स हैं, अब यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। मतलब BMW की G310R है, BMW की ही G310RR बाइक भी है मेरे पास। मेरे कोई बाइक डिलीट करनी है तो यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा, पर बाइक तब तक डिलीट नहीं होगी जब तक किसी ने बुक कर रखी है वो उसकी राइड कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। मान लो मेरे पास G310R थी, अभी जस्ट मैंने बुक की थी, अगर मान लो मैं इसको डिलीट करना चाहूँ यहाँ से तो मैं सिंपल इसका मॉडल आईडी यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करके डिलीट ब्रांड पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैसेज आएगा बाइक ब्रांड मॉडल जो भी है रिकॉर्ड कैन नॉट डिलीट। मैंने सिंपल ये लिखने की कोशिश की यहाँ पे कि ये वाली बाइक अभी किसी बंदे ने बुक कर रखी है तो हम इस ब्रांड को भी अपनी शॉप से डिलीट नहीं कर सकते जब तक उसकी राइड कंप्लीट नहीं हो जाती। जब वो राइड कंप्लीट करने के बाद बाइक सबमिट कर देगा तब हम इस ब्रांड को डिसेबल कर देंगे अपनी शॉप से। तो ये फंक्शनलिटी एक यूज की है जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन को शो करती है, ठीक है, कि हमने अपने प्रोजेक्ट में ऑथेंटिकेशन का भी यूज किया जो कि वैलिडेशन होते हैं, ठीक है। व्यू ब्रांड हम चेक कर चुके हैं, अब विकल्प आता है एड न्यू बाइक। अब हमने बाइक की ब्रांड तो ऐड कर दी थी बट अब उसके रिगार्डिंग बाइक की डिटेल भी तो ऐड करनी चाहिए हमको। मान लो मैं अभी जस्ट एक बाइक लेकर आया BMW की, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया किस बाइक की डिटेल मेरे को ऐड करनी है G310RR की, क्योंकि जो कि बाइक मैं अभी लेकर आया हूँ, ठीक है। अब बाइक का नेम मैं डालूंगा यहाँ पे सिंपल, मैं कुछ भी डाल देता हूँ, BMW बाइक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। नेम कुछ भी आप डाल सकते हो, ये डबल सीटर बाइक है, आप लोग यहाँ पे डबल सीटर चेक करोगे। बाइक का इंजन यहाँ पे 1300 cc है। अब मैं तो यहाँ पे कुछ भी डिटेल डाल रहा हूँ, ठीक है। एज एग्जांपल पेट्रोल की बाइक है, बाइक माइलेज कितना देती है यहाँ पे 45 किलोमीटर पर आवर का ही यहाँ पे माइलेज देती है। साइड मिरर है इसमें, यस। बाइक का नंबर यहाँ पे डालना आपको UK। मान लो उसका रेंट कितना है डेली का, 1200 रुपये इसका डेली का रेंट है, ठीक है। अब एड बाइक पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो बस यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट होता है डिटेल्स सक्सेसफुली इंसर्टेड। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा मेरी बाइक की डिटेल्स ऐड हो जाएंगी मेरे डेटाबेस में जाकर, ठीक है। अगर मैं जाकर यहाँ पे चेक करूँ व्यू बाइक पे तो यहाँ पे आप देखोगे तो फर्स्ट वाली रो देखो आप, तो ये डिटेल जो मैंने अभी जस्ट ऐड की है वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। डबल सीटर बाइक है, 1300 cc का इसका इंजन था। बाइक का स्टेटस यहाँ पे आएगा अवेलेबल। अब ये दोनों बाइक देखो बुक्ड हो चुकी है, मैं इनको दोबारा बुक नहीं कर सकता, ठीक है। मेरे को कोई बाइक डिलीट करनी है तो सिंपल मैं यहाँ पे जाकर डिलीट कर सकता हूँ, पर जब तक वो बाइक सबमिट नहीं हो जाएगी मैं यहाँ से भी उसको डिलीट नहीं कर पाऊंगा। आप लोग चेकआउट भी कर सकते हो। एज एग्जांपल मान लो BMW की बाइक ऑलरेडी बुक्ड है, मैं डिलीट बाइक पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैसेज आएगा वी कैन नॉट डिलीट दिस बाइक बिकॉज दिस बाइक इज ऑलरेडी बुक्ड, किसी के लिए ऑलरेडी बुक्ड है। जब तक वो अवेलेबल नहीं होगी तब तक मैं उसको डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एक मैंने वैलिडेशन यहाँ पे भी यूज किया हुआ है इसका, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे बिल चेक करना है किसी के लिए, तो मैं मान लो यहाँ पे चेक बिल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक न्यू फ्रेम ओपन होता है जहाँ से मैं
किसी भी पर्टिकुलर कस्टमर या फिर जो भी यूजर था उसके उसका कितना बिल्स हो वो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो मैंने अंशु पे क्लिक किया, जो भी अभी करंट यूजर था, ठीक है, मैं यहाँ पे 100 पे करूंगा तो जो भी उसका लाइक प्राइस रहेगा, जो भी रेंट का प्राइस रहेगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, 2000 उसका प्राइस था, इतना टैक्स लगा उस पे, तो 2042 रुपये उसका टोटल प्राइस हो चुका है। ठीक है, अगर मान लो मेरे को उसको पीडीएफ में सेव करना है, फिर पीडीएफ में इसको सेव करके मेरे कस्टमर को देना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे प्रिंट पीडीएफ पे क्लिक करूंगा। लाइक ये प्रिंट पीडीएफ कैसे करते हैं, ये सारी फंक्शनलिटी मैंने अपने डेटाबेस में यूज की हुई है, अपने कोड में यूज की हुई है, तो मैं इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा जब भी इसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आपको कोई सिंपल माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट पीडीएफ को सेलेक्ट करके इसको जैसे आप यहाँ पे प्रिंट करोगे, मतलब आप यहाँ पे अपने एंड पे सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कितने पेज चाहिए, नंबर कॉपी, और जैसे मान लो मैंने प्रिंट पे क्लिक किया तो यहाँ पे सिंपल आएगा प्रिंटिंग इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पे कुछ टाइम बाद आपके पास एक फाइल मैनेजर ओपन होता है जहाँ पे आप इसका नेम, मान लो मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे मान लो यही नेम मैं दे देता हूँ, बुकिंग बिल, मैं इसको दोबारा सेव करता हूँ, यहाँ पे रिप्लेस करना है मेरे को ये वाला जो करंट बिल है, मैंने इसको सेव किया, वो डेटा मेरे डेटाबेस में जाके सेव हो चुका है। ठीक है, अगर मान लो मैं उस पीडीएफ को ओपन करके आपको दिखाऊं, तो गाइस जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे आके बुकिंग बिल को ओपन किया यहाँ पे, तो यहाँ पे आके आप चेक करो तो जो भी आपका बुकिंग का बिल था वो यहाँ पे इस तरीके से शो हो जाएगा, मतलब। ठीक है, अब गाइस मैं यहाँ पे इसको दोबारा लॉग इन करता हूँ यूजर के थ्रू लॉग इन करने के लिए। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पे यूजर सेलेक्ट किया, बट यूजर का यूजर नेम पासवर्ड मेरे को नहीं पता, मतलब मैं एक न्यू यूजर हूँ, ऐसा समझ लो कि मैं एक न्यू यूजर हूँ जो इस वाले सॉफ्टवेयर को लॉगिन करने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो भाई सबसे पहले मैं यहाँ पे यूजर साइनअप पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने यूजर साइनअप पे क्लिक किया तो एक न्यू फ्रेम ओपन होता है। ठीक है, ये सारे फ्रेम्स का डिजाइन बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। अब गए जैसे मैंने यहाँ पे एक यूजर की कंप्लीट डिटेल ऐड कर दी है, तो मैं आपको सिंपली यहाँ पे भी जो मैंने वैलिडेशन यूज किए पहले वो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, और एक्स्ट्रा वैलिडेशन आप कैसे यूज कर सकते हो वो मैं कोड में बताऊंगा, क्योंकि कोड करूंगा इसका। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वैलिडेशन मैंने ये यूज किया है जो ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर उसकी वैल्यू यस रहेगी यहाँ पे, मतलब आपके पास ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस है, तभी आप कोई बाइक बुक कर पाओगे। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है तो बाइक बुक नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट्स के रूल के बिल्कुल ही खिलाफ है। ठीक है, और जो एज है आपकी वो 18 प्लस होनी चाहिए। मान लो मैं यहाँ पे सबसे पहले इसकी एज 17 करके सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो एक मैसेज आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल बिकॉज यू डोंट हैव ड्राइविंग लाइसेंस और यू आर अंडर एज, मतलब आपके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या फिर आपकी एज नहीं हुई है, जो कि एक वैलिड एज होती है। ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पे इसको 18 कर दिया, या फिर मान लो मैंने यहाँ पे 37 किया, जो भी पहले डेट मतलब कि उनकी एज थी, और मैं ड्राइविंग लाइसेंस में यहाँ पे आके नो कर देता हूँ, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है अभी तक नहीं, तो भी यहाँ पे यही सेम मैसेज आएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको यस लिखना है, एज आपकी 18 प्लस होनी चाहिए। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे आपका जो भी डिटेल्स आपने यहाँ पे ऐड की है वो डिटेल सक्सेसफुली इंसर्टेड, एक मैसेज आएगा और डेटा ऐड हो जाएगा आपके डेटाबेस में। अब सिंपल मैं इसी लाइक जो भी मैंने यूजर अभी ऐड किया इसी के थ्रू मैं लॉग इन करूंगा सिस्टम को अपने, मतलब अपने पूरे पेज को। आप इस तरह सोचो, आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, पहले साइन अप करते हो फिर उसके बाद लॉग इन करते हो, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे है। ठीक है, तो अब उसके लिए सिंपल सबसे पहले मैं गाइस यहाँ पे यूजर सेलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ पे यूजर नेम डालूंगा, मैंने यहाँ पे लिया था aman@123, पासवर्ड मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 12345, और सिंपल मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। अगर डिटेल्स गलत हुई यहाँ पे तो वहाँ पे एक मैसेज आता है कि यूजर नेम और पासवर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब इस तरह से एक मैसेज आता है अनवैलिड का। तो यहाँ पे देखो ये यूजर का इंटरफेस है जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। मैंने आपको पहले बताया कि प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, आप लोग इसे किसी भी सेमेस्टर में सबमिट कर सकते हो, खुद बना सकते हो। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो, लिंक नीचे गाइस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे तो यूजर के लिए ओनली कुछ ही डिटेल्स हैं जो कि वो चेकआउट कर सकता है, मतलब यहाँ पे मैंने कंप्लीट एक्सेस नहीं दिया बिकॉज यूजर के पास सारा एक्सेस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यूजर ओनली अपडेट व्यू माई डिटेल कर सकता, मतलब मेरी डिटेल, मतलब अगर मान लो मैंने लॉगिन किया अपनी आईडी से तो ओनली मैं ही एडिट कर सकता हूँ अपनी डिटेल, मैं किसी दूसरे यूजर की डिटेल नहीं चेक कर सकता। मान लो कि किसी भी कंपनी में तो बहुत सारे यूजर्स एग्जिट करते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि मैं किसी भी कंपनी के यूजर की डिटेल चेक कर सकता हूँ, मैं ओनली अपनी डिटेल एडिट कर सकता हूँ। तो मैं सिंपल क्लिक करूंगा अपडेट एंड व्यू माई डिटेल पे, तो यहाँ पे मैं अपनी डिटेल चेक भी कर सकता हूँ। मान लो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ओनली मेरा ही नेम जो होगा अमन का, जबकि मेरे डेटाबेस में ऑलरेडी 2 यूजर्स हैं। आप यहाँ पे चेक करोगे अमन और अंशु 2 यूजर्स हैं, बट मेरे को मेरा ही डेटा शो हो रहा है बिकॉज मैंने अपने लिए इसको लॉगिन किया है, अपने आईडी से लॉगिन किया है। अब मैं यहाँ से डिटेल अपनी चेक कर सकता हूँ, मेरे को अपडेट करनी है तो मैं यहाँ से अपनी डिटेल भी अपडेट कर सकता हूँ। मान लो मैंने जो सिटी है मेरी वो अब मेरे पास दिल्ली नहीं है, अब मान लो मैं गोवा में रहता हूँ। ठीक है, परमानेंट एड्रेस मेरा दिल्ली है बट मैं अब गोवा में रहता हूँ, तो सिंपल मैं यहाँ पे अपडेट करूंगा इसको, अपडेट यूजर मैंने किया तो मेरी डिटेल सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगी। अब आप डेटाबेस में चेकआउट भी कर सकते हो इसको, तो यहाँ पे देखोगे तो आपकी डिटेल सिटी में गोवा आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब फाइनल है, अब आप नेक्स्ट पे जाओगे बुकिंग हिस्ट्री पे, आपको कोई न्यू बाइक बुक करनी है ओनली अपने लिए,
तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपकी ओनली अपनी ही डिटेल्स होंगी, किसी और की डिटेल नहीं होगी। तो मान लो मैंने अमन पे क्लिक किया, मतलब अपने नाम पे क्लिक किया, तो मेरा नेम और मेरा यूजर नेम आएगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कितनी बाइक्स अभी लाइक जिस भी शॉप से मैं इसको बुक कर रहा हूँ उस शॉप में कितनी ब्रांड्स अवेलेबल है। मान लो मेरे पास टू ब्रांड्स हैं, बीएमडब्ल्यू टीवीएस। मान लो मैं बीएमडब्ल्यू के लिए बुक करूंगा बाइक, तो यहाँ पे दोनों शो कर देगा कि ये दोनों ब्रांड की बाइक उनके पास अवेलेबल है। ठीक है, मान लो मेरे को G310RR बुक करनी है, तो यहाँ पे इस बाइक का नंबर आएगा, ये बाइक ही अवेलेबल है अभी तक। अब ये बाइक मैंने अभी जस्ट ऐड की थी, आपने चेक किया होगा तो एडमिन वाले मॉड्यूल में ये वाली बाइक हमने ऐड की थी। तो बाइक बीएमडब्ल्यू बाइक, इसका नेम था, डबल सीटर बाइक है, ये सारी डिटेल यहाँ पे शो हो जाएंगी। मान लो मेरे को 4 दिन के लिए बाइक बुक करनी है, मैं सिंपल ऐड बाइक पे क्लिक करूंगा, प्राइस देख के इसका कि 4 दिन का प्राइस मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं। अब उसके बाद व्यू बुकिंग हिस्ट्री पे चेक करोगे तो ओनली आपकी ही हिस्ट्री यहाँ पे शो होगी। मान लो आपने अपनी लाइफ में 5 बार बाइक बुक की है इस वाली शॉप से, 10 बार बुक की, सारी हिस्ट्री यहाँ पे शो हो जाएगी, और किस डेट को बुक किया है वो डेट भी गाइस यहाँ पे शो होती है, और इसका स्टेटस अभी बुक्ड है, मतलब आपने अभी ऑलरेडी बुक की हुई है, सबमिट नहीं की है आपने। गाइस नेक्स्ट जो मेन्यू आता हमारे यहाँ पे आता बाइक ब्रांड का। अब यहाँ पे चेक करोगे व्यू ब्रांड पे, मतलब कितनी ब्रांड्स अभी उनके शॉप में अवेलेबल है, तो आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो कि बीएमडब्ल्यू की एक G310R है, फिर G310RR, मतलब इस तरीके से टीवीएस के GSL है, मतलब कुछ भी ब्रांड आप ऐड करके यहाँ पे चेक कर सकते हो। जितने भी ब्रांड्स होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, आप यहाँ पे चूज करके कोई भी ब्रांड बुक कर सकते हो। अब व्हीकल में आओगे, अब यहाँ पे चेकआउट करोगे तो 3 ही बाइक थी उनके पास और तीनों का स्टेटस बुक्ड है, मतलब तीनों बाइक अभी तक बुक्ड हो रखी हैं उनकी बुक उनकी शॉप में, कोई भी बाइक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अवेलेबल होती तो यहाँ पे इसका स्टेटस अवेलेबल आ जाता। अब यहाँ पे आप बिल चेक करोगे तो यहाँ पे आप ओनली अपना ही बिल चेक कर सकते हो, यहाँ पे कोई और यूजर नेम नहीं आएगा, क्योंकि आप किसी भी यूजर नेम का बिल क्यों चेक करोगे। ठीक है, अब मान लो आपने यहाँ पे बुकिंग आईडी डाली, आपने शो किया यहाँ पे, तो 4 दिन का बिल आपका 4800 रुपये था, उसमें GST ऐड हुई 100 रुपीज़ की 4 दिन के प्राइस पे, तो यहाँ पे आपका टोटल प्राइस बेटा 4900.8 रुपीज़। ठीक है, आप ये जो GST का कैलकुलेशन है वो लॉजिक में देखेंगे जब मैं इसकी फाइनल वीडियो बनाऊंगा। प्रिंट PDF के लिए आप यहाँ से भी प्रिंट PDF कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपके अभी लास्ट वाले मॉड्यूल में समझाया था। ठीक है, लॉग आउट करने के लिए आप सिंपल लॉग आउट पर जाओगे, एग्जिट कर दोगे। तो बस ये फाइनल प्रोजेक्ट था जो कि मॉड्यूल हम इसमें देखने वाले हैं। ओवरऑल जो पूरा प्रोजेक्ट है वो कर्ड ऑपरेशन पे बेस्ड है। ठीक है, कर्ड ऑपरेशन पे बना हुआ है, क्रिएट, अपडेट, रीड और डिलीट। ठीक है, ये सारे मॉड्यूल्स मैंने अपने प्रोजेक्ट में यूज किए हुए हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इसका डेटाबेस कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। ये मेरा चैनल है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली वीडियोस मिलते रहे प्रोजेक्ट की, और इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सिनोप्सिस, PPT की वीडियोस भी बना दूंगा मैं जब पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा। ठीक है।